अब ये संविधान संशोधन विधेयक जो 1976 में आया था, 42वें संविधान संशोधन के तौर पर, अब जब मैं कह रहा हूं 1976 तो आपको कुछ तो याद आ ही गया होगा। 25 जून 1975 वो तारीख थी जब देश में सारे नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, राजनीतिक सारी प्रक्रिया रद्द कर दी गई, देश में सिर्फ एक अधिकार था और वो अधिकार थी इंदिरा गांधी की मुहर, इंदिरा गांधी की राजसत्ता, जिसको संजय गांधी और उनके अपने चेले चपाटे गुलाम चमचे दरबारी वो उसको चलाते थे। अच्छा है कि तब भक्त नहीं हुआ करते थे, वरना भक्त जैसे शानदार शब्द को उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता तो आज मुश्किल होती, लेकिन अच्छा है कि उस वक्त नहीं हुआ तो अभी के संदर्भ में भक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो जो संशोधन था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 ये आपातकाल का समय था, और जो संशोधन था वो उसके ज्यादातर जो प्रावधान थे वो 3 जनवरी 1977 से लागू कर दिए गए थे, बाकी 1 फरवरी से अमल में लाया गया। अब इसको कहीं भी आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, खोजेंगे, संविधान के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी राय सुनेंगे, तो अंग्रेजों से गुलामी के बाद भारत के इतिहास का ये सर्वाधिक अलोकतांत्रिक असंवैधानिक घोर असंवैधानिक कृत्य कहा जाता है, और सिर्फ कहा नहीं जाता, वो कृत्य ऐसा था कि देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश के जो अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय, देश की हर संस्था के अधिकार को छीन लिया गया और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निहित कर दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी इंदिरा गांधी। ये कितना अलोकतांत्रिक रहा होगा। अच्छा, वो समय भी वो था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा टाइप नारे लगते थे और उसमें गुलामों की, चमचों की, दरबारियों की पूरी फौज थी जो लाभ पाते थे और वो उसको तारीफ करते हुए घूमते रहते थे। इतना ज्यादा ये अलोकतांत्रिक था कि इसको इतिहास में जब याद किया जाता है तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा संविधान, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग आज प्रस्तावना पढ़ रहे हैं इसको पढ़ें जरूर, और दरअसल प्रस्तावना पे ही तो मैं बात कर रहा हूं, उसी पे तो आप लोगों को जानकारी देनी है। और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं, संघीय ढांचे को चोट पहुंचाया गया, राज्यों के अधिकार कम कर दिए गए और कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई कि स्थिति क्या हुई, बेहद खतरनाक काम हुआ जिसका खामियाजा अभी भी भारत भुगत रहा है। संविधान की मूल आत्मा पर चोट कर दी गई, इस संविधान में जो शब्द जबरदस्ती घुसा दिए गए, संविधान की मूल आत्मा यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल, उस प्रियम्बल को जिसको आज अलग अलग जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान के तो स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन वो कौन सा वाला अनिवार्य किया गया है, असली वाले संविधान की प्रस्तावना या जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के दौरान छेड़छाड़ करके जबरदस्ती अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कृत्य करके 42वें संविधान संशोधन के जरिए सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। और आप समझिए, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये मूल आत्मा को मारने की कोशिश की गई थी और आज भी उसको जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं हो पा रहा है, वो साहस नहीं हो पा रहा है। और अच्छा है कि नागरिकता कानून के बहाने ये बहस हो रही, मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर बहस हो, जनता की तरफ से भी आए, लोगों की तरफ से भी आए, क्योंकि ये जो किया गया, अब सोचिए कि ये जो छेड़छाड़ हुई, सब कुछ हुआ, आपातकाल चला और जब आपातकाल हटा 1977 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की जो पूरी कैंपेन थी वो इसी पर भी थी, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है, गड़बड़ी की गई, उस गड़बड़ी को हम दुरुस्त कर देंगे। उन्होंने किया भी 1977 में 43वें और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए उन्होंने बहुत कुछ ठीक कर दिया गड़बड़ियों को, बहुत से अधिकार राज्यों के, केंद्र के, संविधान के। अच्छा, उस वक्त इंदिरा गांधी ने यह भी कर दिया था कि कोई भी कानून वो बना सकती हैं और उसकी न्यायिक समीक्षा तक नहीं हो सकती है। अभी तो 150 याचिकाएं हैं करीब जो पड़ी हुई हैं, 370 पे नागरिकता कानून पे, पता नहीं किस पे, किस पे, हजारों हो गई होंगी कुल अगर गिन लें सबको करके। लेकिन
जो बाकायदा बहस करके संविधान सभा के विद्वानों ने लंबी चौड़ी चर्चा की, देश का हाल देखा, लोगों का हाल देखा, दुनिया भर के संविधान देखे, परंपराएं देखी, अपनी संस्कृति देखी, सब करके वो संविधान बनाया, उसको इंदिरा गांधी ने तानाशाही तरीके से ध्वस्त कर दिया। और दुर्भाग्य देखिए कि उसी ध्वस्त हुए संविधान की प्रस्तावना को आज देश पढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों को अनुमान ही नहीं कि गलत प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, वो संविधान ही गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा, झूठे पत्रकार जो झूठ फैलाते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने वर्षों से सत्ता का सुख लेते हुए जो संपादकीय कुर्सियों पर बैठे रहे, मठाधीशी करते रहे, वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर देश में विभाजन का, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस प्रस्तावना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना इस देश की जनता के साथ, संविधान की मूलात्मा के साथ, और संविधान सभा के हमारे विद्वान जो नेता थे जिन्होंने बहस की, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, पथ प्रदर्शक मानी जाती है, उनके साथ ये धोखा है। और चूंकि बड़ा आजकल चल रहा है भीम मीम खालसा, हर बात पे मुस्लिम दलित ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही, तो जरा वो भी आप सुन लीजिए और ये ठीक से सुनिएगा। संविधान सभा की जब बहस चल रही थी तो उस वक्त केटी शाह ने प्रस्ताव पेश किया। क्या प्रस्ताव पेश किया था? प्रस्ताव पेश किया कि भारत को सेक्युलर फेडरल सोशलिस्ट नेशन घोषित किया जाए। कौन खड़ा हुआ था इसके खिलाफ? बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, भीम जिनके नाम पे है, राम जिनके नाम में है, और एक ब्राह्मण का जाति नाम जिनके नाम में है, वो भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम अभी कैसे तय कर सकते हैं कि जो भी समाज होगा वो किस सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हम कैसे तय कर सकते हैं, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट या जो भी, ये तो उस वक्त के जो लोग होंगे उनके पास इतने अधिकार तो होने चाहिए। कड़ी बहस हुई और उस तगड़ी बहस में उन्होंने कड़ा विरोध किया और अंत में उनके और दूसरे विद्वानों के संविधान सभा में विरोध के बाद ये जो सेकुलर फेडरल और सोशलिस्ट नेशन घोषित करने की मांग थी वो गिर गई। अब सोचिए, उस वक्त तो गिर गई, 47, 48, 46, 47, 48, 49, 50 खत्म, संविधान बन गया। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने जो भारत की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, और दरअसल उस वक्त उस संशोधन के जरिए देश के जो बड़े विद्वान थे, जो आजादी में जिनका असल योगदान था, जो संविधान सभा के लोग थे, उनके भी जो एकता की कोशिश थी, किया कराया था, उस पर सब पर पानी फेंक दिया। और सोचिए कि वही संविधान की प्रस्तावना देश को पढ़ाने की कोशिश हो रही है। खूब पढ़िए संविधान की प्रस्तावना, हर किसी को सुबह पढ़ना चाहिए, आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, खूब पढ़िए, अपने जो आपके अपने ग्रंथ हों, पुस्तकें हों, सब कुछ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह उठ के वो असली वाली प्रस्तावना जरूर पढ़िए। उसके लिए ड्रामा मत करने दीजिए इन लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात वही है कि ये संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज, इसके बीच में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर घुसाया गया है ना, जो आयातित विचार है, वो देश की आत्मा के साथ, मूल संविधान के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। और इस धोखे को समझने की जरूरत है, इस खिलवाड़ के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। बस ये जरूर बताइए, आप भी पढ़िए, पढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए, आपको ठीक लगे तो ये वीडियो बढ़ाइए, नहीं तो आपको ठीक लगे तो आप दो लाइन में लिख के करिए, कोई जरूरी नहीं कि यही वीडियो आप बढ़ाइए, इस मेरे वीडियो को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबको वो जो असली संविधान बना था, उस संविधान की प्रस्तावना बताइए कि भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से, ये दोनों शब्द ही दरअसल फ्रॉड है, आयातित है, और
जो मैं कहता हूं ना कि जिनके लिए इंदिरा जी ने जिनके तुष्टीकरण के लिए घुसाया, चोरी छिपे ये कृत्य किया असंवैधानिक, वो तो कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया कुछ है ही नहीं है, उसको हम मानते ही नहीं है। वो तो कह रही हैं कि हमारे मजहबी पहचान, हमारी मजहबी बिलीफ, हमारे मजहबी नारे, उसको एक्सेप्टेंस मिलने तक इंक्लूसिव चेहरा रखना है आंदोलन का, जो नागरिकता कानून के विरोध में जो लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने शुरू किया था कि ये जो शाहीन बाग दिखता है, जिसको लोग तौहीन बाग उसके कर्मों की वजह से बोलने लगे हैं, तिरंगा, संविधान, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जैसे ही जो कैमरे, क्यों दूसरे चैनलों को नहीं जाने दे रहे, सामान्य रिपोर्टिंग वहां नहीं हो पा रही, क्योंकि सामान्य रिपोर्टिंग होगी तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा, और जब उनके हिसाब से रिपोर्टिंग करने वाले लोग जाएंगे तो उसको वो काबू में कर सकते हैं। तो बस इतनी सी ही बात थी, और मुझे लगा कि ये बेहद जरूरी बात है, आप लोग बहुत सी बात कर रहे थे, तो इस संशोधन के बारे में सबको बताइए और दबाव बनाइए सरकार पर कि वो जो 42वें संविधान संशोधन में भारत की आत्मा मार दी गई उसको ठीक करे और संप्रभु लोकतांत्रिक भारत गणराज्य को फिर से पुनर्स्थापित करे, ये सोशलिस्ट और सेकुलर फ्रॉड को निकाल के बाहर करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सभी लोगों का, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइए तो आप अपनी लाइन लिख के भेजिए, लेकिन ये बताइए जरूर कि भारतीय गणराज्य क्या है, संप्रभु लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उसके बीच में जो सोशलिस्ट और सेकुलर है वो फर्जी तरीके से आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से इंदिरा गांधी ने तानाशाही में घुसा दिया था, जो आज तक निकाला नहीं जा सका, और उसी निकालने के लिए जनता पार्टी की सरकार को चुना था जनता ने, जब वो नहीं कर पाए तो देखिए वो भी हट गए, ये अलग बात है, जनता उसके बाद से उस असली संविधान की प्रस्तावना को खोज रही है, उनको पढ़ाइए जिससे कि उन सबको ये जानकारी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।